तो इन दिनों बिहार में राजनीति गरमाई हुई है, अपने चरम पर है। चिराग और पशुपति पारस के विवाद के साथ साथ टुन्ना पांडे को लेकर भी बीजेपी और नीतीश की पार्टी जेडीयू में टकराव चल रहा है। क्या बदलते हालात से बिहार में समीकरण भी बदलेंगे? यही वो तस्वीर है जिसने बिहार की राजनीति में फिर एक बार हलचल पैदा कर दी है। तस्वीरों में निलंबित बीजेपी MLC टुन्ना पांडे बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के साथ वर्चुअल मीटिंग करते नजर आ रहे हैं। नीतीश को जेल भिजवाने की धमकी देने के आरोप में निलंबित हुए टुन्ना पांडे के साथ पार्टी अध्यक्ष की इस तस्वीर ने नीतीश की पार्टी का पारा हाई कर दिया। जेडीयू आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने टुन्ना पांडे को निकालने का ड्रामा किया। आपने उस दस्तखत से आपने निलंबित किया, आपके वर्चुअल मीटिंग अटेंड करता है तो आपका कहीं न कहीं सहमति होगा। अब वर्चुअल मीटिंग करने के बाद टुन्ना जी पांडे फेसबुक पर फोटो भी शेयर करते हैं, और आश्चर्य की बात है संजय जायसवाल जी भी अपने फेसबुक पर फोटो को शेयर किए, तो कहीं न कहीं दाल में काला है। जो मामला हमारे अनुशासन समिति में गया है, अनुशासन समिति का फैसला आने दीजिए। अनुशासन समिति जो निर्णय करेगी वो भाजपा का निर्णय। टुन्ना पांडे पर कार्रवाई नहीं होने से जेडीयू बीजेपी पर गठबंधन धर्म का पालन नहीं करने का आरोप लगा रही है। वैसे सियासत में संकेतों से बहुत कुछ कहा जाता है, खासकर बिहार में बीजेपी जेडीयू के बीच जो खींचतान जारी है उसमें LJP का विवाद हो या टुन्ना पांडे का, सब शतरंज की चाल की तरह ही नजर आ रहे हैं। ABP News आपको रखे आगे।